इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट लेवी के इंतजार और अन्य मार्केट में मुनाफा वसूली की बिकवाली का दबाव रहने से केएलसी में कमजोरी का सिलसिला देखने को मिल रहा है और जिसका असर घरेलू बाजारों पर भी दिखाई दिया है। मंडियां खुलने से देश भर में सोयाबीन की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। वहीं शनिवार को देश भर में 5,50,000 बोरी की आवक दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 2 लाख बोरी के करीब रही, जिसके चलते प्लांट खरीदी भाव 25 से 50 रुपए तक घटाकर बोले गए। दरअसल इंदौर मंडी शनिवार को खुलते ही मुहूर्त में सोयाबीन का भाव 5,000 से 5,100 जबकि एवरेज 4,200 से 4,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं किसान मंडी में सोयाबीन मुहूर्त में 5,451 रुपये प्रति क्विंटल तक भी बेचते हुए दिखाई दिए। सोया तेल में भी ग्राहकी कुछ कमजोर रहने से भाव में आंशिक मंदी रही। वहीं सोया तेल इंदौर 1,320 से 1,325 रुपये प्रति 10 किलो बोला गया। दरअसल अमेरिका के कई क्षेत्रों में भी सूखे की स्थिति बनने लगी है। अर्जेंटीना सोया मील सोया तेल का प्रमुख निर्यातक देश है। अर्जेंटीना में बड़ी मात्रा में भारत को सोया तेल का निर्यात होता है। अर्जेंटीना से सोया तेल का स्टॉक घटने से भारत में सोया तेल का आयात पड़तल बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं नवंबर तक खाद्य तेल तिलनों में फिलहाल मंदी जारी रहने की उम्मीद है, ऐसा अनुमान बाजार की तरफ से लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।